वॉच गाइस, क्रिकेट लवर्स के लिए जो हाँ, दो मूवी आने वाली है ना, हाँ, एक 83 और एक जर्सी, जर्सी। तो जर्सी का ट्रेलर बहुत गूजबम्स लाने वाला था, और जो एक्टिंग स्टाइल देखने को मिला शाहिद कपूर का नेक्स्ट लेवल। तो हाँ, उसी मूवी से अभी गाना आया है माइया मेनू, और जिसमें शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर है, और साचे टंडन ने गाया, और शैली के लिरिक्स हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रोमांटिक हो सकता है, हो सकता है। इमोशनल होता है, कोई आइडिया नहीं है, साथ में एंजॉय करते हैं। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को यार फटाफट से लाइक कर देना, हाँ। उससे और लोगों तक भी वीडियो पहुंचती है, और कमेंट करके बताना आपको गाना कैसा लगा। शाहिद कपूर yes. एक बार ओपी हो जाए कमेंट में, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शाहिद कपूर, तेरे को पता ही है, इसको पता ही है, तो साथ में एंजॉय करते हैं। 1 2 3 गो। मैंने डैड को अपने बारे में बता दिया कल। अच्छा खा रहे अभी? कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमारी शादी से ज्यादा तुमको ये समोसा और सॉस की पड़ी है। नहीं बात सुन, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा तुझसे, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन समोसा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये बढ़िया था, पॉइंट है वैसे। बात तो दुनिया इधर की उधर। रोलर कोस्टर राइड होने वाली इमोशंस हाँ। की इस मूवी में बहुत खुशहाल जिंदगी गाने में दिखाया है। शादी से पहले मतलब जो वो क्रिकेट खेल रहा था है ना, फिर शादी हुई है, और जो वो दिखाया था ट्रेलर उसमें पता चला कि आई थिंक इसको मतलब शादी इन सब में आके इसको क्रिकेट छोड़नी पड़ी, ऐसा कुछ रहा होगा है ना, फैमिली उसमें आके। और जो जिस तरीके से मतलब स्टार्टिंग करी थी ना गाने की, जैसे मेरे घर में बात करी है, ध्यान ही दे रहा। एक चीज दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई साहब तुम भी अग्री करते हो एक बार लिख देना समोसा ओपी। एंड ये गाना कुछ गाने होते हैं जो आप सुनते ही ना फैन हो जाते हो, आप दीवाने हो जाते हो, रिपीट पर सुनने का मन करता है। मतलब सोचना, इमेजिन करो ऐसी गाड़ी में जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पे, बारिश भी हो रही हो, ये गाना चल रहा है, बहुत ही प्यारा है। कबीर सिंह के गाने हिट हुए थे ना, हाँ, वैसे ही जर्सी के गाने आते ही हिट। मेहरम गाना कितना इमोशनल था, ये गाना बिल्कुल दिल छूने वाला गाना है, बहुत ही मेस्मराइजिंग जिसे हाँ। कहते हैं ना। और इसी गाने में आपने काफी जर्नी देखी, वहां पर उसको बताने से लेकर वहां पर हाँ। बैग उठा के आने से लेकर कोर्ट मैरिज, तो वही हर एक चीज, एक सफर होने वाले जिसमें इमोशन होगा। मतलब इसमें एकदम क्लीन शेव और बाल वो वाले, जय शिव कैसे कमरे में घुसता है वहां से। और इसमें यही हुआ यार, देख खुशी होगी क्रिकेट खेलते थे, और खुशी हुई शादी हुई, थोड़ी घर में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होगी, तो अर्निंग उसकी वजह से आई थिंक छोड़ना है, ऐसा कुछ है, क्रिकेट छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर कमबैक, हाँ। हर एक चीज मतलब ये गूज बम्स लाने वाली मूवी होने वाली। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आप हाँ।
स्ट्रगल फील कर सकते हो, हर एक चीज फील कर सकते हो, और मोटिवेशन, और ये कहते हैं कि अगर मूवी आपको मोटिवेट कर जाए, इंस्पायर कर जाए, या फिर आपको प्यार करना सिखाते, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। और ये गाना मूवी नेक्स्ट लेवल ब्लॉकबस्टर। और मैं सच में यार शायद कपूर देख के आधा तो मैं वैसे फैन हो जाता हूँ वीडियो से पहले, मतलब शायद की कोई मूवी हो रही है देखने ना जाए। मैं आज भी कहता हूँ बहुत अंडररेटेड है शायद आज भी, मतलब अब मुझे लगा, और कोई ऐसा लुक भी नहीं होगा जो तूने ऐसा ट्राई भी नहीं किया होगा। जो जो एक्टिंग है ना शाहिद कपूर की, मतलब बहुत कम लोगों में टैलेंट होता है वो, ये है एक्ट, जो, मतलब जो जुनून और आंखों में इंटेंसिटी, चाहे इमोशनल हो, चाहे हंसने वाला सीन हो, चाहे सेलिब्रेट करने वाला। मैया मैनू बहुत मस्त गाना, अभी स्पॉटिफाई में हम लाइक करेंगे इसको, सुनेंगे और अब जिम जाएंगे ये गाना सुनेंगे, बहुत मजेदार था यार। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।